सारी कुर्तियां जो मैंने नई ली हैं और इन सबको मैंने कहां से लिया है, कैसे लिया है और इनका कुछ रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूं। और इसके अलावा ऑनलाइन जो हम खरीद रहे हैं कुर्तियां उनके पीछे की थोड़ी सी सच्चाई और मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सबके बारे में बताती हूँ कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है और क्या डिस्प्ले होता है हमारे सामने और क्या चीज हम एक्चुअल रिसीव करते हैं। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन कुर्तियां खरीदी हैं उनके बारे में। और ये सारी कुर्तियां जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ मैंने मिंत्रा से ली हैं। अब हमें कोई चीज जब हम ऑनलाइन लेते हैं घर आती है पसंद नहीं आती है तो हम रिटर्न करते हैं और रिटर्न करने में हमें एक चीज जो बिल्कुल सही चाहिए होती है वो है कि जो भी आपने फैब्रिक खरीदा है उसके साथ उसका जो लेबल है वो बिल्कुल उसके साथ रहे, इंटैक्ट रहे। पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी वो ये थी कि मैं सबसे नई वाली प्रॉब्लम बताती हूँ। मैंने ये कुर्ती परचेस करी रेड कलर की और इसको मैंने जो मेरे पास आई मैंने रिसीव करी ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी उससे जो कि मैंने देखी थी। कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगी, लेकिन रिटर्न होते टाइम एक चीज और जरूरत पड़ती है और वो होती है कि उसके साथ लेबल रहे। तो देखो इसका लेबल बिल्कुल इसके अलग है और जो डिजाइन था ये बिल्कुल उससे अलग है। जब मैंने इसे रिटर्न पे डाला तो कल जब डिलीवरी बॉय आया मैंने उसे वापस करने को दी तो उसने लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो उसे दिख रही थी पिक्चर में ये बिल्कुल उससे अलग है। तो उसने लेने से मना किया, कस्टमर केयर पे बात करी तो उन्होंने एक टिकट जनरेट कर दिया है और 3-4 वर्किंग डेज में वो इस इशू को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुई पहली चीज, अगर इशू सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मेरी रिटर्न नहीं हो पाई है, लेबल बिल्कुल अलग है। और दूसरी चीज जो इसके साथ लेबल आया है ये उस ब्रांड का है ही नहीं जिस ब्रांड की मैंने ये कुर्ती ली थी और वो ब्रांड है कालिनी ब्रांड और ये पता नहीं लियारा नाम से कोई ब्रांड है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे रिटर्न होगी और इसकी कॉस्ट जो है शायद 2190 रुपए है, 2000 से ऊपर की कुर्ती है। तो देखिए एक नुकसान मेरा ये है अगर ये रिटर्न नहीं होती है। एक चीज और दिखाती हूँ, मिंत्रा से मैंने एक कुर्ती ये मंगाई थी, देखिए इस तरह की थी, इसमें बड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, बढ़िया था, लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुई तो मुझे इसका जो ऊपर वाला कलर था मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन जब मैंने इसको रिटर्न करने के लिए देखा, ये जैसे ही आई मैंने इसको खोला तो इस पे कोई भी लेबल इसका नहीं था, यानी ये रिटर्न नहीं हो पाएगी। तो एक तो मुझे ये रखनी पड़ी जबकि मुझे इसका साइज का इशू था, मेन तो मैं आपको बताऊं साइज का इशू था, काफी बड़ी थी ये और सेम बिल्कुल यही इशू आया मेरे साथ एक इस कुर्ती को लेके जो कि जिसके साथ मुझे लेबल नहीं मिला और इसके साथ भी मुझे साइज का इशू था। तो दोनों ही कुर्तियां मेरी वापस नहीं हो पाई और मैंने कस्टमर केयर पे भी बात करी लेकिन मेरा ये इशू बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ और ये दोनों कुर्तियां मेरी मुझे लेनी पड़ी, रखनी पड़ी। अब मैं इनको ऐसे ही पहन रही हूं, ये अलग बात है कि मुझे ढीले कपड़े पसंद है तो मैं इनको ले लेती हूं। तो एक तो हुई ये चीज, तो अब ये तो वो चीजें थी जो कि कुछ इश्यूज को लेकर थी, लेकिन अब कस्टमर केयर पे बात करके अपना पॉइंट अगर हम रखेंगे बिल्कुल सही तरीके से तो हो सकता है कि हमें इसका एक सही रिप्लाई मिल जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कुर्तियां जो मुझे बहुत पसंद आई। तो अब जब कभी भी, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई भी कुर्तियां खरीदते हैं मिंत्रा से और रिसीव करते हैं तो उसमें अगर लेबल नहीं है तो आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिए कि बिल्कुल आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी अगर आप इनको रिटर्न करेंगे तो, और ब्रांड भी चेंज होकर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज, एक और प्रॉब्लम जो कि मुझे मिंत्रा की तरफ से फेस हुई। एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर की कुर्ती मैंने खरीदी, देखिए ये पहले तो ये कुर्ती पूरी सेट है, मतलब इसके साथ एक ये कुर्ता है अनारकली, एक बॉटम है और इसके साथ एक बहुत ही सुंदर इस तरीके की, इस तरह का दुपट्टा है देखिए। और ये कुर्ता बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत ही सुंदर लगा और हाँ इसके साथ इसका लेबल भी था, बहुत ही प्यारा सा है। लेकिन ये भी देखिए साइज से एक तो काफी बड़ा आया है लेकिन है काफी अच्छा इसके साथ ये कुर्ता और पैंट दोनों है। अब हुई क्या प्रॉब्लम, जैसे कि जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन देखा था तो मुझे मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये कॉटन है कपड़ा जो इसका फैब्रिक है, लेकिन इसका फैब्रिक बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, ये एक सिंथेटिक कपड़ा है जो कि गर्मियों में जिसमें इतने पसीने आते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं पहन पाएंगे और पसीने से बिल्कुल लथपथ रहेंगे। तो ये कौन सा ब्रांड था, जो भी है मैं देखिए इस तरह से है, ये सुंदर थी कुर्ती, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा। तो अगर आप सिंथेटिक पहन सकते हैं तो इस तरीके की ले सकते हैं, इसमें बड़ी अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग मतलब बटन्स लगे हुए हैं और थोड़ी सी अंगरखा स्टाइल में है।
अच्छी स्लीव्स है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और इसका ना दुपट्टा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो जब आप इसे पहनेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी फेस्टिव मतलब ओकेजन पे, फेस्टिवल पे आप इसको पहन सकते हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसे पहन सकते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा सिंथेटिक ब्लेंड है तो आप इसको ले सकते हैं। एक चीज और होती है, जब कभी भी कुर्ती लेते हैं और उसमें यहाँ पे चुन्नट होती है, तो जो थोड़े से मतलब लोग पतले होते हैं तो उनपे तो ये बहुत अच्छा लगता है, घेरा काफी बढ़िया लगता है। लेकिन अगर जरा सा भी जैसे आप अपने आप को ये फील कराना चाहते हैं कि हम और मोटे ना लगें, तो उसमें जो ये घेरा होता है ना, स्पेशली बारीक चुन्नट वाला जो घेरा होता है, इससे आप थोड़े और मोटे दिखाई देते हैं। और ये ऐसी है कि ये कुर्ती भी है, ये देखिए, और इसके साथ है इसका बॉटम, और बॉटम पे भी बहुत अच्छी ना देखिए इस तरीके से एक एम्ब्रॉयडरी हो रही है बॉटम पे, बहुत ही अच्छा है। ये भी ग्रीन कलर काफी अच्छा है, लेकिन वही मेरी शिकायत कि लिखा तो हुआ था कॉटन, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, ये कुछ बहुत ही अलग टाइप का, कुछ सिल्क टाइप का जो है फैब्रिक है। नहीं पहना जाएगा समर्स में, बहुत इसमें गर्मी लगेगी। हाँ, अगर आप केवल थोड़ी देर के लिए इसे पहनने की सोच रहे हैं किसी फेस्टिवल वगैरह पे, तो आप इसको पहन सकते हैं। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेहंदी कलर है तो मेहंदी ग्रीन कलर है तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। लेकिन ये ना वैसी नहीं है, मतलब इसमें भी वही सिंथेटिक वाला फील है, तो ये मैं नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन बॉटम वगैरह बिल्कुल अच्छा, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये लीजिए। आप कहोगे कि मैं सारी वही कुर्तियां दिखा रही हूँ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। अब दिखाती हूँ आपको ये नई कुर्ती, ये भी देखिए बिल्कुल नई, अभी इसका टैग भी नहीं निकला है। चिकनकारी बहुत ट्रेंड में है और प्रिंटेड फैब्रिक पे चिकनकारी समर्स में मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली चिकन की कुर्तियां ही मुझे बहुत पसंद है, और जो आप मेरी प्लेन कुर्तियां देखते हो जो चिकनकारी की है, वो सारी मैंने मिंत्रा से मंगाई है। मेरे पास तकरीबन हर कलर की है, एक दो कलर ही छूटे, मतलब जो ब्राइट कलर्स है उसमें तीन चार कलर्स मेरे पास है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है और शायद ब्राउन भी है। और इस तरीके की जो प्रिंटेड फैब्रिक वाली कुर्तियां आती है चिकनकारी वाली, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और देखिए इसका कलर कितना सुंदर है ग्रीन। ऐसी मेरे पास एक पीच और ऑरेंज कलर में है जो इसी में है, मतलब इसी वाले ब्रांड की है, लास्ट ईयर मैंने वो ली थी। और देखो ये कितनी सुंदर है, बहुत ही लाइट कलर, बहुत ही बढ़िया इसका फैब्रिक है। और इस पे जो कढ़ाई है, और जब आप इसे समर्स में पहनोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कंफर्टेबल सा, कूल सा, बड़ा अच्छा सा। तो इसका कपड़ा बिल्कुल बढ़िया वाला कॉटन है, जिसको पहन के आपको ना गर्मियों में बहुत आराम मिलेगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। जैसे मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ पूरे दिन, मतलब मैं पहने रहती हूँ इसी टाइप की कुर्ती को, तो बहुत कंफर्टेबल लगती है, घर में हो, बाहर हो, हर जगह, हर ओकेजन पे बहुत अच्छी लगती है। अब जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ना, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो सूट है इसके साथ है दुपट्टा, और इसकी है एक बॉटम, और ये है कुर्ता। पहले तो कलर देखो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर कलर है, देखो खूब बढ़िया अनारकली कुर्ता है ये, देखो इतना सुंदर। और ये इसका हो गया बॉटम, बॉटम बिल्कुल बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा मुझे ये पहन के, काफी कंफर्टेबल है। और अब मैं दिखा रही हूँ इस सूट की जो जान है वो है इसका दुपट्टा। देखिए कितना सुंदर इसका दुपट्टा है, ये देखिए दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा ये सूट है, कुछ इस तरह से लगेगा। इसे तो आप किसी फंक्शन में पहनिए, कहीं के लिए लीजिए, थोड़ा सा स्टाइल कर लो ना, बहुत सुंदर लगेगी, कुछ इस तरीके की ये कुर्ती है देखो। और ये साड़ी ना मैंने मिंत्रा से ही ली है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि कहाँ से कुर्तियां मैं लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो अब की बार जो भी सेट मेरे पास आए हैं समर्स के लिए वो आपको दिखा दूं। तो ये बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इसको स्टाइल करेंगे ना तो अच्छी लगेगी। और दूसरी जो उसकी शेप वगैरह ना, बड़ी कंफर्टेबल रहती है, आप बगैर दुपट्टे के भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर मतलब डेली वियर की तरह अगर आप इसे यूज करो, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो दुपट्टे की तरह पहन सकते हो। सारी चीजें बहुत बढ़िया है, दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, देखो ऐसा कुछ इस तरीके का दुपट्टा है ये, बिल्कुल इसी का सेम एक पैटर्न ये है देखिए। ये इसका कलर बहुत ही अच्छा है, कुछ प्याजी सा कलर है इसका, बिल्कुल लाइट सा कलर है। तो ये भी सेम ही है, मैंने इसका दूसरा कलर लिया था देखो। और ये इसका दुपट्टा है, देखिए टिश्यू का कितना सुंदर दुपट्टा है। और इसमें से ना कोई भी जो कुर्ती और ये पूरा सेट है ये 2000 से ऊपर का नहीं है। अदरवाइज अगर हम इस तरीके की स्टिचिंग कराएं, फैब्रिक लें, तो बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। लेकिन देखिए इस तरह से है, और इसके साथ भी इसका बॉटम है, पैंट है, कुर्ता है, और देखिए दुपट्टा है इसका, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। इसको तो आप समर्स के लिए इस टाइप की कुर्ती को तो ले लीजिए, इसका फैब्रिक इतना कंफर्टेबल है, बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे सारी कुर्तियों में सबसे ज्यादा पसंद ना ये वाली कुर्ती आई, ऊपर इसमें इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रही है देखो। और अब मैं आपको बताऊं ये कलर मतलब इस टाइप का जो येलो कलर है ना मेरे पास नहीं था, तो ये भी है एक नई कुर्ती देखिए।
और ये भी मैंने मिंत्रा से ली है और देखो कितनी सुंदर है। इसमें ना शेड्स हैं येलो के इस तरह से, और थोड़ी सी जो इसकी जो शेप है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर अच्छा है। नीचे इसमें इस तरह से पॉम पॉम से लगे हुए हैं और थोड़ी सी नेक पे देखिए यहाँ पे इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो कुछ ऐसी कुर्तियां जिन्हें जिनपे ना देखते ही संग दिल आ जाता है, जिनका कपड़ा बहुत अच्छा हो, प्रिंट बिल्कुल अच्छा हो, कलर अच्छा हो, तो उनको तो देखते ही साथ मन करता है कि आज ही पहन लो। बहुत ही प्यारी है और इसको ना मतलब किसी भी तरह से किसी भी चीज के साथ आप पेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया है। चाहे घर पे पहनो चाहे आप बाहर जाओ तब पहनो, मुझे ये कुर्ती बहुत सुंदर लगी। देखो कितनी सुंदर कुर्ती है, कलर बहुत अच्छा है इसका। और होता क्या है जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन की तरह से मैं लेती हूँ। देखो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं करती हूँ, कोई इनमें कोई अलग तरीके की सोच तो नहीं। मुझे बस ये लगता है कि ये पहन के मेरे ऊपर, मेरे अपने जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कैसी लगेगी, तो मैं वो इमेजिन करती हूँ। हर एक को अपने बॉडी के फ्लॉज पता होते हैं क्या कमियां हैं, जिनको कि हम अच्छी तरीके से अगर हम ड्रेसअप करें तो हम उनको छिपा सकते हैं। जैसे मैंने कहा बारीक चुन्नटों से ना ये हिस्सा आपका एकदम फूल जाता है और आप बहुत मोटे लगने लगते हो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के मैं चीजों को खरीदती हूँ। और कई बार बहुत लाइट कलर्स भी बहुत रिच लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, व्हाइट कलर मेरा एक इतना पसंदीदा कलर है कि मैं आंख बंद करके ले लेती हूँ और वो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सबको अपनी चीजें पता होती है, मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से लेती हूँ। एक ये कुर्ती है, ये भी मैंने मिंत्रा से ली है, और ये है कुछ वो कुर्तियां जो कि मैंने रीसेंट अपने कुछ वीडियोस में पहनी थी, जिसमें ये ब्राउन वाली कुर्ती है, पिंक कुर्तियां हैं, ये सब जो है मिंत्रा की ही हैं, सब अच्छी हैं। मतलब इनमें से सारी पहन के मुझे अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने मुझे पहने हुए देख ही लिया है। तो अब जैसे अभी किसी वीडियो में मैंने पहनी थी ये पिंक कलर की कुर्ती, अच्छी लगी। मतलब बिल्कुल सोबर है, सिंपल है, लेकिन आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो इनके साथ कुछ एसेसरीज वगैरह पेयर करके। तो जैसे ये ब्राउन वाली कुर्ती है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बिल्कुल डिफरेंट सा कलर था, मुझे लगा ये अच्छी लगेगी। और मैंने इसको पसंद किया था क्योंकि जो इसका ऊपर का जो प्रिंट था और जो इसका बॉटम इसका नीचे का जो प्रिंट था ना, ये बिल्कुल अलग सा था, तो मुझे लगा ये अच्छी लगेगी। तो इसका नीचे का प्रिंट कुछ इस तरीके का, होली के वीडियोज में मैंने इसे पहना है, इस तरीके की है, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें आपने इसको देखा होगा। जिस दिन छोटी होली थी उस दिन मैंने ये रेड कलर का ना अनारकली पहना था। रियली ये बहुत सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके कलेक्शन में रेड कलर नहीं है तो आप इसको ले लीजिए। मतलब बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना, बड़ा अच्छी सी फील आती है। इसके साइड में इस तरीके की लटकन है और देखो इस तरह से ये है, बहुत प्यारी सी कुर्ती है। बस इसे पहन के मैंने, मतलब मैं कुछ ऐसा मेकअप नहीं करती, बस जैसे ही वीडियो बनाना होता है मैं लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करती। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पहना ना, अपने आप बहुत अच्छा, मतलब मुझे खुद अच्छा फील हुआ। तो ये कुर्ती बहुत ही सुंदर है और स्पेशली रेड कलर में बहुत प्यारी लगती है। तो जो छोटी होली का मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें है ये, हाँ मतलब छोटी होली बड़ी होली वाले वीडियो में आप इसको देखोगे, पूरे दिन मैं इसको पहने रही थी छोटी होली वाले दिन, और बहुत सुंदर ये लगी थी। लग रहा था कि बिल्कुल जो फेस्टिवल वाली वाइब्स हैं वो फील हो रही थी। और हाँ अभी आगे जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो उसमें रेड कलर बहुत सुंदर लगता है। तो प्योर कॉटन, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही प्यारी ये कुर्ती है। इन सबको मैं आपको बता दूंगी, इन सबके नाम दे दूंगी मैं आपको। कुछ इस तरह के जो प्रिंट होते हैं ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। तो एक मैंने कुर्ती ली, मतलब ये अनारकली पूरा कुर्ता है और ये है स्लीवलेस कुर्ता। तो ये है कुर्ता, ये है इसका देखिए बॉटम, इसका प्रिंट बिल्कुल अलग है। ये कुर्ता है, इस तरह से दिखाती हूँ आपको, ये इसका कुर्ते का प्रिंट है और ये इसका बॉटम है, और इसके साथ है इस कलर, इस तरह से इसका एक दुपट्टा देखिए, है ना। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये कुर्ता बहुत सुंदर है, मतलब गर्मियों के हिसाब से स्लीवलेस बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है ये, बहुत अच्छा लगा। स्लीवलेस मैं खूब पहनती हूँ, समर्स में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और इसका ये बॉटम प्योर कॉटन का है, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसको तो घर पे पहन सकते हैं। बॉटम चाहिए बहुत ही, देखिए कितने घेर वाला प्लाजो है, और स्लीवलेस के साथ नीचे बिल्कुल प्लाजो जो है बहुत ही सुंदर लुक देगा। और इसे तो आप बगैर दुपट्टे के भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर है। मतलब मैं बताऊं गर्मियों में अगर आप लेना चाहते हो, घर में पहनने के लिए, बाहर कहीं भी पहनने के लिए,
तो इसको जरूर आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। बहुत अच्छी ये कुर्ती है देखो, और बहुत ही अच्छा इसका ना बॉटम भी है, बहुत सुंदर है ये। और ये जितने भी सारे हैं ना, ये सब मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि मैं पहन रही हूँ, क्योंकि ये रियली बहुत कंफर्टेबल है। और इसको तो मैं इसी वाले जो ये है ना, इसको तो मैं एक दो और मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है पूरे दिन पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे। और ना इसमें बड़े अच्छे छोटे छोटे बटन्स लगे हुए हैं आगे, और प्रिंट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल जैसे गर्मियों के हिसाब का प्रिंट होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये तो सारे अनारकली थे, और अब मैं आपको बता रही हूँ एक मैंने मंगाया है स्ट्रेट, है ना, मतलब सिंपल, वो भी मुझे बहुत पसंद था। देखो एक मैंने मंगाया है ये तो इसकी ना देखिए बॉटम है व्हाइट कलर की, इस तरह से ये बॉटम है, और बॉटम में ना नीचे एम्ब्रॉयडरी हो रही है। कपड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल कपड़ा है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है। और ये है इसका कुर्ता, बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगा मुझे पता है। ये है इसका देखिए कुर्ता, बहुत ही अच्छा, मतलब हल्की फुल्की सी ना ज्वेलरी डाल के और इनको पहनो ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत सुंदर, मतलब बड़ा अच्छा कंफर्टेबल, मतलब सुंदर से ज्यादा मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही कंफर्टेबल है, पूरे दिन आप इनको पहने रहो, और गर्मियों में ना बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के। तो अगर आप अपना कुछ कलेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह के गर्मियों के हिसाब से तो इस तरीके की चीजें जरूर रखिए। तो ये ढेर सारी देखिए कुर्तियां मैंने आपको दिखाई, और थोड़ी सी चीजें भी बताई कि इनमें कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और वो चीजें बहुत ना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसके लिए तुरंत एक्शन लीजिए अगर आपको ऐसी कोई चीज पता चल रही है। और क्या हुआ, मैं देखो जो रेड वाली है वो मेरी, उसका मेरे पास पैसा वापस आया, वो रिटर्न हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी दी, जो आप कुर्तियां वगैरह पहनती हो ये कहां से लेती हो, तो जहां भी मुझे पसंद आती है वहां से ले लेती हूं, और जो भी चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। फटाफट आप लोगों को चीजें बताई, क्योंकि अब आगे आ रहा है फेस्टिवल, उसकी भी तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अब इन सबको जो है ना मुझे अब वापस से अपनी अलमीरा में रखना है, लेकिन पहले आप तक पहुंचाऊंगी वीडियो, फिर इन सब चीजों को मैं संभालूंगी। कोई मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई छूट तो नहीं गई, नहीं कोई नहीं छूटी, सब आ गई है।